माननीय अध्यक्ष जी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ, 4 बार मंत्री रहा हूँ, 9 बार विधायक रहा हूँ, राज्यसभा सदस्य रहा हूँ। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मेरे से कोई भावना में गलती हुई है, तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। एक मिनट प्लीज, आप रमा देवी जी, आप मैं बगल में बैठा हूं, जो उनको कहना था उन्होंने अपनी किसी भी भावना से कहा। आजम खान जी बोल दें, आप आजम खान जी आप बोल दें, एक मिनट। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री, जो कुछ भी हुआ है, जो चर्चा हुआ है, हम सब बाद में भी जो चर्चा हुआ हम सब सुने हुए हैं। मैं सिर्फ ये अपील करता हूँ, जो महिला, पूरा महिला सदस्यों का और पूरा महिला समाज का अपमान हुआ है, ठीक शब्द से उन्होंने क्षमा मांगना चाहिए और ये खत्म करना चाहिए। पहले उनको क्षमा मांगना चाहिए। नॉट डन इट, यह नॉट डन इट। आजम खान जी, कोई वांट टू डिफेंड हिम, कोई बात वांट टू डिफेंड हिम, व्हाट इज दैट यू आर डूइंग। एक मिनट रमा देवी जी, एक मिनट रमा देवी जी, आप आपस में चर्चा मत करो। कि उन्होंने कहा है, क्योंकि हो सकता है माननीय सदस्य ने कान में नहीं लगाए। अब देखिए, स्पीकर साहब भाषा देखिए, और मैं मंत्री जी से कहूंगा, जो उन्नाव में घटना हुई वो भी तो सोचिए। अरे माननीय सदस्य प्लीज, एक बेटी के साथ हुई है, एक बेटी के साथ क्या हुआ है माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज। और देखिए प्लीज स्पीकर सर, फिर भाषा गलत हो गई। अगर एक महिला की गलत भाषा होगी तो क्या होगा इस देश का? प्लीज प्लीज, इसीलिए ये बीजेपी के लोग कहते हैं जय श्री राम, ये सीताराम नहीं कहते, प्लीज ये प्लीज, कोई नोटेड नहीं हो। मान्य सदस्य आजम खान जी, एक बार आप इसे दोबारा रख दें। हाँ, एक बार क्षमा, क्षमा कह, बड़ा दिल हाँ, कह देंगे। हाँ बोल, हाँ नहीं कह चुके हैं। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था, हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहें या 1000 बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है, अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है स्पीकर सर, ये जय श्री राम, प्लीज रमा देवी जी, आप क्या बोलना चाहती हैं? प्लीज रमा देवी जी का नोटेड हो। प्लीज इनको कौन आदेश दे रहा है बोलने के लिए? ये जो बीच बीच में उठकर बोल रहे हैं, क्या इनको बकार नहीं है क्या? मैंने उनको अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदन में ये हमारे सदस्य आजम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है, और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है, और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। काहे कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आजम खान जी के, सुनिए अखिलेश जी, उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं, बस आप नहीं, मैं बोल रही हूँ। नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हम उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह आजम खान की जो आदत है, यह सुधारनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से। इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। यह जानने की बात मानते हुए हमारे जो आदेश हुए दिए, हम उनका पालन करने के लिए खड़ी हूँ। ठीक है माननीय सदस्य, ठीक है माननीय सदस्य, माननीय
कांग्रेस से नहीं 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 उन्नाव के मानिस प्लीज 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 मानिस प्लीज प्लीज मानिस प्लीज 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 मानिस। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।